राम राम मेरे सभी भाइयों को। तो भी आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जहां पर जो आप ये देख पा रहे हैं एकदम बोल जैसा गुल्ला बाइसेप का, तो ऐसा आप भी बनाना चाहते हैं, अपने बाइसेप को तकड़ा तंदुरुस्त और मस्कुलर करना चाहते हैं, तो भी उसी के लिए मैं आज आपको कुछ इंपोर्टेंट वर्कआउट बताने वाला हूं, जिसमें कि हमें ज्यादा इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ओनली अपने घर पर ही अपने बाइसेप को तकड़ा तंदुरुस्त और मस्कुलर आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि जब आप हाफ बाजू की टी शर्ट पहनते हो भाई, जब हमारा बाइसेप तकड़ा होता है और जब हम ऊपर की तरफ ऐसे करते हैं, तो भाई लोग कहते हैं इसका बाइसेप कितना तकड़ा लग रहा है। तो उसी के लिए मैं आज आपको इंपोर्टेंट वर्कआउट बताऊंगा और उसी के साथ कुछ डाइट की बात करेंगे, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो भाई सबसे पहला वर्कआउट स्टार्ट करते हैं अपने बाइसेप को तकड़ा करने के लिए और बॉल को क्लियर करने के लिए। तो भाई यहाँ पर हमें दो ईंट की जरूरत पड़ने वाली है और हमने यहाँ पर लेके रखे हुए बहुत भाई, मतलब ईंटों का नाम सुनते हैं और ईंटों को देख करके ना मतलब हंसते हैं और इनकी मजाक बनाते हैं कि मतलब इनसे हमारा बाइसेप कैसे तकड़ा हो सकता है या फिर हमारी मसल कैसे ट्रेन हो सकती है। तो भाई ऐसा नहीं होता है, हमारी बॉडी में कोई ऐसी मशीन लगी हुई नहीं होती है कि ये पहचानती है कि हम ईंटों से वर्कआउट करें या फिर लोहे के डंपलों से वर्कआउट करें, तो ऐसा नहीं होता है। हमारी मसल पे लोड आना चाहिए, ये मायने रखता है। तो हम यहाँ पर जो वर्कआउट लगाने वाले हैं बाइसेप के लिए, तो भाई हम यहाँ पर दो ईंटों इस कंडीशन में उठा लेना है और उठाने के बाद जो वर्कआउट से पहले आपको वार्म अप करना है, और भाई मैं वार्म अप कर चुका हूँ। आप किसी भी मसल का वर्कआउट करें, बाइसेप का करें, ट्राइसेप का करें या फिर चेस्ट के मसल का करें, अन्य किसी भी बॉडी पार्ट की मसल का करें, तो भाई वार्म अप बहुत ही जरूरी है, जिससे कि हम इंजरीज के साथ से बचे रहते हैं, भाई हमारी बॉडी भी मतलब वर्कआउट के लिए रेडी हो जाती है। तो सबसे पहला जो हम वर्कआउट लगाएंगे इस कंडीशन में लगाने वाले ईंटों को इस कंडीशन में पकड़ेगा, पकड़ने के बाद चेस्ट थोड़ा बाहर निकालेंगे इस कंडीशन में और थोड़ा ऊपर लाएंगे इस कंडीशन में और अपनी जो कोहनी को पीछे की तरफ इस कंडीशन में कर देंगे। यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं पूरा घूम के इस कंडीशन में, फिर नीचे जाएंगे वापस से इतना लाएंगे और ये इस कंडीशन में पीछे की तरफ कर देंगे। तो हमारे जो यहाँ पर बॉल आप देख पा रहे हैं, जैसे कि हम इस कंडीशन में आते हैं, ये पीछे की तरफ कर दिया, तो हमारी जो बॉल है उसको फुल लोड आ पा रहा है। और ये जो वर्कआउट लगा रहे हैं हम थोड़ा अलग तरीके से लगा रहे हैं, क्योंकि ये वर्कआउट मैंने आपको ज़्यादा वीडियो में बता नहीं है, क्योंकि ये वर्कआउट ना एकदम बहुत ही इससे अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो दोनों हाथों से आपको सेम ही रेपिटेशन निकालें और भाई सिंगल सिंगल हैंड से भी कर सकते हैं और दोनों हाथ से एक साथ भी आप कर सकते हैं आसानी से। दोबारा से आपको देखना है इस कंडीशन में, थोड़ा ऊपर लाएंगे और पीछे की तरफ कर देंगे, फिर से वापस छोड़ेंगे। और भाई जब हम ईंटों को नीचे लेकर के जाते हैं तो भी ढीला नहीं छोड़ना, जिससे कि हमारी बॉल मूवमेंट नहीं बिगड़ेगी। वापस से लाना और इसकी पीछे कर देना, सिरों नीचे इतना लाए और पीछे कर दिया इस कंडीशन में। तो इस वर्कआउट की भी आपको 3 से 4 सेट निकालने हैं मैक्सिमम, और भाई रेपिटेशन अपने हिसाब से आप निकाल सकते हो। तो भाई अगला जो हम वर्कआउट लगाने वाले हैं सिंगल ईंट के साथ हम लगाने वाले हैं, तो ये हमें लगाना किस कंडीशन में, तो हमें सिंपली इस कंडीशन में बैठ जाना है। बैठने के बाद जो हमें एक ईंट को पकड़ना, एक ईंट को पकड़ने के बाद अपना जो ये कोनी है उसको घुटने के पास में रख लेना। रखने के बाद में अपना थोड़ा हाथ को थोड़ा लंबा करेंगे और इसकी सिरो सिरो हम आगे की तरफ लाएंगे, यहाँ पर होल्ड करेंगे, पूरा एकदम बाइसेप पे लोड है, क्योंकि बहुत भैया को साइज ना मतलब इस वजह से नहीं चमक पाता है, उनकी जो बाइसेप में कटिंग नहीं होती है, तो पोजिंग वगैरह देते हैं तो कटिंग नहीं आती है, तो इस वजह से उनका जो मतलब बाइसेप है वो अच्छा नहीं लगता और उनकी जो बॉल मूवमेंट है नहीं बन पाती है। तो अपनी बॉल मूवमेंट बनाने के लिए इस वर्कआउट को आप फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ इस कंडीशन में, तो सिंगल सिंगल हैंड से कर सकते हैं और दोनों हाथ से आपको सेम ही रैपिड से निकालना है। यहाँ पर होल्ड करेंगे, स्लो नीचे और यहाँ पर होल्ड करेंगे। तो यहाँ पर जो हम वर्कआउट लगा रहे हैं ये मतलब मशीनों से भी अच्छे तरीके से नहीं लगने वाला है, पर आपको ये पता होना चाहिए कि हम मतलब ईंटों के साथ भी आसानी से मशीनों से भी अच्छा वर्कआउट हम घर पे ही आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम वर्कआउट लगा रहे हैं इससे हमारी जो बॉल मूवमेंट है एकदम अच्छी तरीके से, हमारी जो बॉल है बाइसेप की एकदम अच्छी तरीके से, हमारी जो बाइसेप का गुल्ला है वो अच्छी तरीके से क्लियर हो पा रहा है, पूरा एकदम बाइसेप लोड है, सिरो नीचे और सिरो कंट्रोल इसकी यूज करके। यहाँ पर जो हम ये भी वर्कआउट लगा रहे हैं तो इसमें भी जो हमारा जब हाथ नीचे जाता तो इसको ढिल्ला नहीं छोड़ना, ऊपर होल्ड करेंगे, सिरो नीचे करेंगे और यहाँ पर होल्ड करेंगे। तो ये दोनों हाथ से वर्कआउट फाइनल हो चुका है और आपको दोनों हाथ से सेम ही रेपिटेशन निकालने हैं। कुछ भाई क्या करते हैं एक से कम निकालते हैं एक से ज़्यादा निकालते हैं, तो ऐसा नहीं करना, दोनों हाथ से आपको सेम ही रेपिटेशन निकालने हैं। तो अगला जो हम वर्कआउट लगाने वाले हैं दोनों ईंटों के साथ हम लगाने वाले हैं इन्हीं इस कंडीशन में, दोनों ईंटों को इस कंडीशन में रख लेंगे, रखने के बाद थोड़ा इस कंडीशन में बैक पे अपनी बाइसेप को रखेंगे और सिलो सिलो ऊपर की तरफ करेंगे, सिरो नीचे करेंगे और ये ऊपर करेंगे इस कंडीशन में, सिरो नीचे इसके ऊपर बाइसेप पर फुल लोड है। तो इसी कंडीशन में इस वर्कआउट को आप अच्छी तरीके से फॉलो करते हो। यहाँ पर मैंने आपको 3 वर्कआउट लगा के दिखाए हैं
और उनका थोड़ा थोड़ा वर्कआउट करके दिखाया ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो और आपको भी देखने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो भाई इसके साथ साथ आप अच्छी डाइट ले लेते हो, क्योंकि भाई बहुत भाई क्या करते हैं वो वर्कआउट से ये सोचते हैं कि मेरी मसल बन जाएगी या फिर मेरा बाइसेप तकड़ा हो जाएगा या फिर ट्राइसेप तकड़ा हो जाएगा। तो भाई ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वर्कआउट के दौरान जब हम मतलब वर्कआउट करते करते हम अपनी मसल को ट्रेन कर लेते हैं और उसके बाद हमारी मसल को जरूरत होती है हाई प्रोटीन डाइट की। और आप क्या करते हैं, ऐसी रोटी खाते हैं, फिर रोटी भी खाते नहीं है, ऐसी कुछ भी मतलब भूखे ही रहते हैं और ये सोचते हैं कि मतलब मैंने वर्कआउट तो कर लिया मेरी बॉडी बन जाएगी, चाय पीने से बॉडी बन जाएगी या फिर रोटी खाने से बॉडी बन जाएगी। तो भाई ऐसा नहीं होता है, हमारी मसल को जब तक अच्छी हमारी मसल को डाइट नहीं मिलेगी तो हमारी जो मसल का साइज है वो कैसे बड़ा होने वाला, फिर हमारी जो मसल है वो क्लियर होने वाली है। तो उसी के लिए आपको थोड़ा वर्कआउट करना है और भाई अच्छी डाइट लेनी है तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। आप बाइसेप का वर्कआउट करें, ट्राइसेप का करें, चेस्ट का कर रहे हैं तो उसमें आपको अच्छे ही रिजल्ट आने वाले हैं। तो उसी के लिए इस वर्कआउट को फॉलो करो, अच्छी डाइट लो, आपका जो बाइसेप है इस कंडीशन में तकड़ा तंदुरुस्त और मस्कुलर आसानी से होने वाला है इस कंडीशन में, क्योंकि आप पोजिंग वगैरह देते हैं तो भाई हमारा बाइसेप तकड़ा होता तो इस कंडीशन में पोजिंग देते हैं तो हमारी बॉडी ना एकदम बवाल टाइप लगती है। तो इन सारे सवालों को फॉलो करो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। आज की वीडियो में हमारा आपको कुछ भी पसंद आता तो भी लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगली वीडियो किस टॉपिक पर लानी है कमेंट के थ्रू लिख के हमें आप बता सकते हैं। तो ये मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम, थैंक यू।